अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, एक बेटी की परवरिश पर है। मेरी आपसे गुजारिश होगी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वो चार भाइयों की इकलौती बहन थी। बाप मजदूर था, भाई भी मजदूर थे। भाइयों ने मिलकर उसकी शादी एक मजदूर के साथ कर दी। और अगर आपकी नीयत में फतूर है तो सरापा रहमत तो क्या रहमत खुदाबंदी भी आपसे रूठ जाएगी। खैर, उस मजदूर की नीयत नेक थी। बीवी की सूरत में वो हर किस्म की रहमत का हकदार बन बैठा। उसे बैरून मुल्क जाने का मौका मिला। कदम मजबूत होते ही उसने अपनी बीवी को भी अपने पास बुला लिया। गरीब की बेटी खुशहाल हो चुकी थी। अब उसकी जिंदगी का हर दिन यौम ईद था, तो हर रात शब्बे बरात थी। मगर इस आलम में भी वो अपने अब्बू और भाइयों को नहीं भूली थी। परदेश में दो बरस गुजर चुके थे। एक दिन उसे अपने अब्बू और भाइयों की याद ने तड़पाया। शोहर ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। अब वो वतन वापस लौट रही थी। इसने अपनी वापसी की किसी को इत्तला नहीं दी थी। वो अपने घर पहुंचकर अचानक सबको खुशी देना चाहती थी, खुशी पाना चाहती थी। वतन पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी अम्मी के पास गई। अम्मी शहर खामोशिया में अबदी नींद के मजे ले रही थी, मगर वो जानती थी कि इसकी आमद पर अम्मी को सुकून जरूर मिला होगा। अब वो अपने घर पहुंची, उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके भाई परेशान हो गए। अब्बू कहाँ हैं? उसने सवाल पूछा। उस सवाल का जवाब देना तमाम भाइयों के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर उसे एक पड़ोसन से अपने सवाल का जवाब भी मिला और सुराख भी मिला। नलायक बेटों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया था और अब उसका बाप एक झोंपड़ी में अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। वो अपने बाप के पास पहुंची। उसका बाप मजबूत असाब का मालिक था, मगर अपनी बेटी की एक बात सुनकर वो रो पड़ा। चले अब्बू, अब आप मेरे साथ रहेंगे। रोते रोते उसने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और बोला, मैंने अपनी सारी जिंदगी का मुकाबला करते गुजार दी। जिंदगी में बस दो बार रोया हूँ। एक बार तब जब तुम पैदा हुई थी तो मैं शर्मिंदगी के एहसास से रोया था, और दूसरी बार आज जब तुमने मुझे सहारा देने की बात की है। बाप की बात सुनकर बेटी भी फूट फूट कर रोने लगी। बेटियां रहमत हैं, और रहमतों के बारे में अल्लाह कभी सवाल नहीं करेगा। रहमत तो बस रहमत होती है, फिर चाहे कोई इसकी कदर करे या ना करे। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। आमीन सुमा आमीन।